पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा से पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने एवं उनके खिलाफ हुई अन्य कार्रवाइयों के बाद कांग्रेस अब मुखर हो गई है और केंद्र सरकार के इस आरोप पर राहुल गांधी के खिलाफ हुई साजिश के विरोध में कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह को आंदोलन के रूप में सभी हाट बाजारों में नुक्कड़ सभा आयोजित कर मोदी अडानी गठजोड़ को जनता के सामने रख रही है। जय भारत सत्याग्रह के तहत आज विधायक अनूप नाग, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पखांजुर के नया बाजार पखांजुर में आयोजित हाट बाजार पहुंचे और नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को मोदी अडानी गठजोड़ से अवगत कराया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं विधायक नाग ने नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। निर्वाचित सदस्यों को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश में महंगाई विकराल रूप ले लिया है और वही नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच सीना की बात करते थे, वही नरेंद्र मोदी जी जो सुई के जमीन के बराबर जमीन नहीं देने की बात करते थे, वही नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि अगर आतंकवाद हमारे जवान का एक सिर काटेगा तो हम उसके बदले में 10 सिर काट के लाएंगे। कहां गए ये नरेंद्र मोदी जी की ये बातें आज देखने को मिल रहा है। हमारे पुलवामा जो घटना को देख लीजिए, चीन कितने जमीन हड़प रहे हैं और ये 56 इंच के हमारे प्रदेश देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये सब देख नहीं रहे हैं। आज अब तो हद हो गया। हमारे कश्मीर के पूर्व राज्यपाल महोदय ने सीधा आरोप लगाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो हमारे सुरक्षा में लगे हुए हमारे जवान जो 40 पुलवामा के घटना से मारे गए, वो केंद्र की सरकार सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने की वजह से हुई, जिसकी खुलासा आज राज्यपाल महोदय मलिक जी के द्वारा। भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी कायर है, मोदी देश को निगल रहा है, मोदी राक्षस है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। मोदी हमारे नाम से केस कर दे, हमारे पहले तो है कि हम मोदी के नाम से केस करना चाहते हैं क्योंकि मोदी ने 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे वादा किया था और वादा को पूरा नहीं किया। ऐसे सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में और हमारे राहुल गांधी को हम देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। संसद में सवाल पूछने वाला तो एक ही शेर है, उस शेर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें डर सताए जा रहे हैं कि अगर ये शेर हमारे सामने रहा तो आने वाले समय में मेरा प्रधानमंत्री कोई बना नहीं सकते क्योंकि ये शेर ही प्रधानमंत्री बनेगा। और इसलिए उनको सवाल करने से रोका गया और संसद से उनको 2 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया। ये इनकी डर है, ये इनकी कायरता है। ऐसे कायर प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री कुर्सी संभालने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या पूछा था, यही तो सवाल पूछा था कि 20,000 करोड़ किसके हैं। जवाब नहीं दे पाए। इनको जवाब देना चाहिए कि 20,000 करोड़ उनका है, हमारा है से बोलना चाहिए था क्योंकि ऐसे बेवकूफ है, अनपढ़ है, गवार है ऐसे प्रधानमंत्री।